हल्दी में जहर पाया गया, क्योंकि हमारी शादी जो जब्दे के साथ हो रही है वो कोई रुकवाना चाहता है, वो है छोटी माँ और उमा देवी जी जो मिलकर रुकवाना चाह रहे हैं। तो वही वो लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने हल्दी में इस बार विष मिला दिया ताकि वो मेरे शरीर पे लगे। और जो भी छोटी माँ से प्यार करते हैं तो उन्हें पहली बात तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि सबूत नहीं है, कोई CCTV से कोई कैच नहीं किया किसी ने, तो बस उसे गुस्सा तो आएगा ही क्योंकि छोटी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो छोटी माँ के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि इतनी बड़ी शादी हो रही है और महल के बीच में कोई आके इसमें हल्दी में कोई विष मिला सकता है, तो वो कौन हो सकता है? मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी हल्दी में किसी ने विष मिला दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे तो CCTV और फ़ोन चाहिए था पता उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर पत्र लिखने पड़ते हैं, यहाँ से सीधा फ़ोन मारा हेलो वहाँ पर अकबर की सेना आ गई, वहाँ पर जरा चेक कर ले अपना, यहाँ पर पत्र लिख के भेजना पड़ता है, फिर पत्र जाएगा नहीं जाएगा, कौन पोस्टमैन लेके जाएगा, पता नहीं, जामा होता है इतना सारा। मैं तो चाहता कि एक बार उस ज़माने में विजिट करके आऊँ, घूम घूम के आऊँ, मतलब क्या हो रहा था सब, मन करता है मेरा कैसे क्या होता होगा उस ज़माने में, मतलब हम जैसा प्ले कर रहे हैं वैसा भी होता होगा क्या, या इससे कड़क होता होगा, या फिर ये लोग इतना सा भी अपमान नहीं सहते, किसी तक गला ही काट देते, यार सोचते रहता हूँ क्या होता होगा। यार युद्ध भूमि में तो मतलब हमने एक बार पूरे 1000 क्राउड के साथ में काम किया था, लाइव क्राउड, तो हम डर गए थे क्योंकि इतने सारे लोग थे और मतलब इतना बड़ा मैदान था, इतने सारे लोग वॉर के लिए आ रहे, वो लोग भले एक्टिंग कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था रियल में कुछ हो रहा है। तो वही सोच रहा था कि मतलब मतलब पुराने ज़माने में जब 500 साल पहले ये लोग कैसे युद्ध भूमि में जाते होंगे, क्या गट से जाते होंगे, लड़ना है मतलब, पता नहीं।